अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 291 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 4,735 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद में 25 और मरीजों की मौत से शहर में मरने वालों की संख्या 298 तक पहुंच गई है। अहमदाबाद के बिगड़े हालात से परेशान अहमदाबाद नगर निगम ने दूध और दवाइयों की दुकानें छोड़कर सभी दुकानों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया है। अहमदाबाद नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार दुकानें 7 मई की आधी रात से 15 मई को सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान अहमदाबाद शहर में केवल दूध और दवाइयों की दुकानें ही खुलेंगी। दूध और दवाइयों के अलावा बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी, जिनमें फल, सब्जी और किराना की दुकानें भी शामिल हैं। इससे पहले शहर में कई सब्जी विक्रेताओं को संक्रमित पाए जाने पर अधिकारियों को इनकी स्क्रीनिंग करने पर मजबूर होना पड़ा था। खुद अहमदाबाद नगर निगम कमिश्नर विजय नेहरा कोविड-19 रोगी के संपर्क में आने के बाद क्वारंटाइन में चले गए थे। इसके बाद नगर निगम ने उनकी जगह उपाध्यक्ष और गुजरात समुद्री बोर्ड के सीईओ मुकेश कुमार को नेहरा की जगह निगम की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पूरे गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 380 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 6,625 हो गई है। इसमें 1,500 वो लोग भी शामिल हैं जो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 396 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस के 33,514 मरीज हैं और 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित दिल्ली और मुंबई के 3 सीनियर डॉक्टरों की एक टीम के अहमदाबाद का दौरा करने की संभावना है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों की टीम भेजने की रिक्वेस्ट की थी। अहमदाबाद की कोविड-19 मृत्यु दर 6.1 है, जो कि 3.3 के राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुनी है। इस टीम में डॉक्टर गुलेरिया के अलावा नई दिल्ली के ही अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राजेश चावला और मुंबई के मशहूर फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित पंडित के इस टीम का हिस्सा होने की संभावना है। सरकार ने इन डॉक्टरों के आने की ठीक ठीक तारीख का ऐलान अभी नहीं किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे।